फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का हो रहे हैं, 8:15 हो चुके हैं। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है पूजा वगैरह करने में, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है हो रही है, तो मैं थोड़ा सा घर के साफ सफाई में लग गई थी। तो किचन वगैरह अच्छे से साफ कर दिया था और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। तो नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अब थोड़ा सा क्या, जैसे हमने जो रोज 5 बजे नहाती हूँ, तो आज 8:15 हो गए हैं, तो काफ़ी लेट इसको मानेंगे। लेकिन आज बहुत ही झटपट वाला पूजा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज लेट हो गया है और बहुत सारे जो कल की तैयारियाँ करनी है वो है, मार्केट भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी। मैं क्या कर रही हूँ आज के नवरात्रि के एक दिन पहले, तो यही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी मंदिर की सफाई नहीं करी हूँ, क्योंकि मंदिर की सफाई मैं रात में करूँगी आज, जबकि सुबह नवरात्रि के सुबह सुबह ही कलश वगैरह रखना रहता है, तो मैं मंदिर की सफाई जो है वो सुबह करने वाली हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे पूजा वगैरह निपटा देती हूँ। अपना जो भी काम होते हैं ना, तो थोड़ा सा लग जाता है, समय तो लग जाता है। अच्छा, पूजा कितना भी जल्दबाजी में करूँ ना, लेकिन उतनी जल्दी से नहीं हो पाता है। कितना भी कम करें ना, लेकिन आधा घंटा लग ही कैसे हैं आप जाता सब? आशा है। करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे, और हम लोग भी ठीक हैं। आज तो पूजा वगैरह हो गया था, आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हुआ है। सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ पूजा का ही हुआ था, क्योंकि क्या था ना कि अब कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, और नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले सारे जो घर के काम है वो तो निपटाना रहता है। तो आज तो पूरे घर की सफाई हुई है, जैसे पर्दे वगैरह धुलना, बेडशीट धुलना और पूरे घर की धुलाई करना, सब कुछ हो गया है। बट एक बड़ा काम है जो है प्रेस करके पर्दे लगाना, और खाने बना दिया है, बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी पहले दाल चावल सब्जी हमने बना दिया है, और साथ में रोटी भी थी, लौकी की सब्जी थी, तो उतना लौकी की सब्जी जो है अम्मा को नहीं पसंद है, तो यहाँ पे धनिया लहसुन की चटनी बना रही थी, और इसे थोड़ा सा नमक भी खत्म हो गया था छोटे वाले डब्बे में, तो ये भी मैंने साथ साथ कर दिया। और आज बहुत सारे कपड़े भी धुलाए, जैसे मैं आज 3 बजे रात को ही उठ गई थी, तो जब से 3 बजे से अभी इस समय हो रहे हैं 9:30, और तब से मशीन चल ही रहा है, और खाना वगैरह बनाने के बाद बस आ गई थी यहाँ पे। कपड़े जो हमने धुले, जैसे धुलती हूँ ना, तो उस साथ साथ प्रेस करके ही रखती जाती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता। तो प्रेस वगैरह करने में मेरा जो है अभी समय लगभग 11:30 होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस करने के लिए। तो बाकी कपड़े मैंने लगा दिया अलमारी में, बाकी रहा पर्दे, तो पर्दों को मैं प्रेस कर करके ही साथ साथ लगाती जाऊंगी। और खाना जैसा जिसका मन करेगा उस तरह से अपना लोग खाना खाते रहेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं खाई हूँ, क्योंकि इनका नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो ये सुबह आके 6 बजे सो जाते हैं, जब उठेंगे अभी अरे वही 12:30 बजे तक उठ जाते हैं, तो खाना साथ साथ खाएंगे। और इसके बाद, इससे पहले मैं अपना काम जो है ये पर्दे वगैरह वाला निपटा देती हूँ, क्योंकि जैसे पड़ा रहता है ना, और ये पर्दे निकाल दो तो बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा वीराना सा लगता है जब पर्दे वगैरह हम हटा देते हैं, बेडशीट हटा देते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को जब कर देते हैं वहीं पे, तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगती है कि नहीं है? आप लोगों के साथ ये चीज़ तो होते ही होंगे, जब हम हटा देते हैं सारी चीज़ें ना, तो घर थोड़ा अजीब सा लगता है। और मेरा ये सोफे का कवर जो आप लोग देखते हो ना, तो ये हमेशा जैसे 2 ही सोफा अंदर रखा हुआ है, और एक अंदर बेटे के कमरे में रखा, उस पर वो बैठ के पढ़ाई करता है, क्योंकि लंबे समय तक जब बैठना रहता है बच्चों को, तो उनके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल चीज़ चाहिए होता है, तो वहाँ पे 2 लगा दी हूँ, तो एक में डबल शेड आ जाता है ना, तो डबल डबल हो जाता है। मेरे पर्दे भी इसी तरह से हो गए थे, अब मतलब आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा लगता है कि मतलब एक ही लगा रहता है, तो मैंने पर्दे लगा दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। थोड़ा सा घर अच्छा लगने लगा है, घर अपना जैसा भी हो, लेकिन साफ सफाई के बाद सच में बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, कितना मेहनत भी असफल सफल हो जाता है, कि मतलब हाँ हमने कुछ किया है। सारे जो फूलदान भी पर्दे गंदे हो वगैरह लग रहे गए, थे, लेकिन इसे भी आज साफ बहुत ही कर अच्छी दिया। चीज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। वैसे तो मतलब बताऊँ कि मतलब ये बहुत इजी चीज है, लेकिन घर में थोड़ा सा जैसे त्योहार आते हैं तो घर को सजाने वगैरह पे, तो आज मैं ये चूड़ियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, चूड़ी से बनाती हूँ। और इसके चलिए, बाद मुझे और थोड़ा सा ना डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए वो था, तो सामान मेरे पास था ही ऑलरेडी, पहले से रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अच्छा सबका हेल्प लेके ये काम फटाफट से कर देती हूँ। तो चूड़ी में जब मैंने लपेटना था ना, तो मैंने सबको बोल के भी कि दो दो चूड़ी में सब लोग ये धागे लपेट दो, मतलब ऊन लपेटना था, लेकिन अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं आया, तो उसके बाद सब लोग अपना एक एक कर
देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है काम आसान हो जाता है। बच्चे घर में है तो उनको भी लगा लीजिए, ये काम जो बहुत ही फटाफट से हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है सब लोग ने सपोर्ट किया और सारी चीज़ें फटाफट से हमारा जो है हो गया था। इसके बाद यहाँ पे जो चूड़ी है इसका मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, तो चलिए वीडियो देखिए पता चल जाएगा मैं क्या बना रही हूँ। तो पहले हम यह पीला कलर वाला ऊन लपेट रहे हैं और ये टिपलाई ऊन है, तो ये हमने चार तागा मतलब कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चार में लपेटने में थोड़ा टाइम लगता है, आप चाहो तो मोटा वाला भी लपेट सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये हम बनाते हैं इसका जो गुच्छे बनाते हैं ये तो टिपलाई ऊन से ही बेहतर बनता है, मतलब सुंदर लगता है, मोटे वाले से उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से जो इसका लटकन है ये बना लेती हूँ। तो लटकन बनाना बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अपने 2 मिनट लगता है ये बनाने में, बहुत ही फटाफट से ये बन जाते हैं। तो सारे लटकन हमारा भी ये भी बन के रेडी हो गया है। कुछ चीज़ें होते हैं जो, और यहाँ पे मैं फूल बनाते हूँ, स्केल का मदद ले रही हूँ, तो स्केल में इस तरह से धागे को लपेटते जाएंगे और इसे एक साथ करते जाएंगे। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप एक बार कोशिश करोगे ना तो पक्का हो जाएगा। इसके बाद यही सब काम आज मेरा था जो करना था मुझे, और मतलब कई चीज़ें होते हैं फ्रेंड्स जब अपने घर के अपने हाथ के बने हुए चीज़ें अपने आस पास होते हैं ना, तो उसको देख के बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं जितना कोशिश करती हूँ ना कि मैं जितना ही मेरे घर में चीज़ें हों मेरे हाथ के बने हुए हों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ ये चीज़ करने के लिए। तो ये देखिए फटाफट से एक फूल बन के तैयार हो गया। बस इसी तरह से हमने सारे फूल बना लिए। यहाँ पर पंखा चला रखा है ना, तो इसलिए सारे फूल जो है उड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और यहाँ पे ग्लूगन का हमें इस्तेमाल करना है, तो आप चाहो तो फेविकोल भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ना उसे सुखाने में समय लग जाता है, ठीक है। अब जिससे आपको चिपकाना हो फैब्रिक वाला जो आता है ग्लू वो भी ले सकते हो। तो इस तरह से सारे में चिपका देते हैं, लेकिन मैं जब ग्लूगन से चिपकाई थी ना तो मुझे थोड़ा सा संदेह लग रहा था कि जब हम इसे लगाएंगे तो कहीं निकल ना जाए। तो मैंने क्या किया था ना, पहले ग्लूगन से मैंने अच्छे से इसे चिपका दिया था, बाद में मैं क्या करी थी लास्ट में उसका वीडियो मैं नहीं बनाई थी, इसको मैंने धागे से इसी जगह पर जैसे हमने जहाँ यहाँ पर लगा रही हूँ ना गोंद लगा रही हूँ जहाँ पे उसी जगह पे मैंने इसी कलर के धागे से ऊन से ही बांध दिया है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इसे बंधा हुआ लग रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, इसे मैंने एक ही धागा से इस तरह से बांध दिया था। बस यहाँ पे लटकने सारे बना के पहले से तैयार करके रखे थे, बस ये लटकन लगा देना है। जैसे सुबह शाम में जब हम बैठते उठते हैं ना तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बना के रख लेती हूँ मैं। जैसे ये होता है ना कि हाँ ये चीज़ करना, तो एक एक चीज़ ऐसे करती रहती हूँ तो ये काम मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। एक साथ में नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, सबकी फरमाइशें होती है वो पूरी करने। तो एक दिन मैंने फूल बना लिया और एक दिन लटकने बना ली, इस तरह से मतलब हो जाता है काम हमारा, एक साथ में चीज़ें नहीं हो पाते हैं। वीडियो में रहता है भाई, एक साथ हम आपको नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाता फ्रेंड्स, घर का काम भी करना रहता है और ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है एक दिन में। तो जब आप बैठिए तो आप इस तरह से कभी फूल बना लिए, कभी लटकन बना लिए, और कभी आप चूड़ी में ऊन लपेट लिए, तो इस तरह से इजी हो जाता है काम। और 3 काम इसमें है ही, आप देख ले। और कितना सुंदर लग रहा था ना, एकदम लग ही नहीं रहा ये कि मतलब ये घर का बना हुआ, अपने हाथ से बना हुआ, ऐसे लग रहा था मार्केट से खरीद के लेके आई हूँ। तो यहाँ पर हैंग करने के लिए मैंने लगा दिया है ये रिकोटा पट्टी जो होता है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। पहली बार में ही आपका बहुत ही सुंदर ये बनके तैयार हो गया, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैं ये नहीं कहूंगी मतलब सारी चीजें बेस्ट ही, बस सिर्फ चूड़ियां बेस्ट होती है, बाकी ऊन वगैरह तो अगर घर में पड़ा है तो उससे बना सकते हो, अगर नहीं है तो आप टिपलाई ऊन कहीं से भी ले लो, मोटा वाला भी ले सकते हो, बट जो फिनिशिंग आती है ना टिपलाई ऊन से पतले वाले से, उससे मोटे वाले से उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि आप जब बनाइएगा तो पतला वाला ऊन से टिपलाई ऊन ही लीजिएगा। बस यहाँ पे एक हैंगिंग और बनाना था मुझे, तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड का इस्तेमाल किया है और गोटा पट्टी का। रबड़ बैंड चूड़ी में लगा दिया, ऊपर से हमने गोटा पट्टी लगा दिया। आप चाहो तो रबड़ बैंड लगा के और इस पर कई तरह के सितारे वगैरह लगा दीजिए, मिरर्स लगा दीजिए, इससे भी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो इसके बाद हमने सारे को तैयार करने के बाद यहाँ पर लगा रही हूँ जो छोटे छोटे मिरर्स आते हैं मार्केट में, ईजिली मिल जाते हैं, ये लगा रही हूँ। आप चाहो तो मोतियाँ भी लगा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर बना रहे हैं इसके लटकन जो हमें
बनाना है। और इसके लटकन बहुत ही इजी बन जाते हैं। और यहाँ पे जो हमें बनाना था पॉम्पम, तो पॉम्पम भी बना लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सारी चीज़ों को बहुत ही इजीली बना सकते हो अपने घर पे, आपको कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ढेर सारे पॉम्पम भी बना के रेडी कर लीजिए। और यही पम्पम जो मार्केट से लाते हैं ना, तो बहुत महंगा पड़ता है, इसे घर पे आसानी से बन जाता है। तो आप देख सकते हो इतना सारा हमने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसका लटकन बना देते हैं, तो इसे भी दिखा देती हूँ। तो आप इस तरह से हाथ में इस तरह धागा लपेट दिए, मतलब इसे जैसा मोटा पतला धागा, आपको जैसा मोटा ऊन है तो आपको कम लपेटना पड़ेगा, लेकिन ये टिप्लॉई ऊन है, पतला है, तो मैंने इसे कम से कम 20 से 25 बार मतलब इस तरह से लपेट लिया था। और इस तरह फोल्ड करके हम कट करके और इसका लटकन जो है बना के रेडी कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है, बिल्कुल भी समय भी नहीं लगता है। और जैसे मैंने कहा, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो फटाफट से हो जाता है। अब बाकी है चूड़ियों को जोड़ने की। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 3 लगा दिया, फिर ऊपर से लगा दिया। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने जो है सभी चूड़ियों को लगा देना है, और लास्ट में यहाँ पर जो है लटकन तैयार कर देना है। तो मैंने यहाँ 5-5 का लगा रखा है मोतियाँ, इसके बीच में ये पॉम्पम लगा दिया है। अब यहाँ पर फेविकोल की मदद से मैं चिपका रही हूँ, तो फेविकोल सूखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जब ये सूख जाएंगे तब इसे हम इसे सीधा करेंगे। तो ये सूख गए थे तब मैंने इसे सीधा कर दिया। बहुत ही खूबसूरत सा हैंगिंग बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते जो हो। जो है बहुत ही सिंपल से तरीके से ये बन जाता है। मतलब इसको मैंने रबर बैंड पे इस्तेमाल किया, चूड़ी में रबर बैंड के इस्तेमाल करने की वजह से ना इसका ये है कि मतलब बहुत ही कम समय में ये बन के, आप चाहो तो इसमें भी आप पे जो दूसरा वाला पहले बनाया उसमें भी आप रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आप धुलोगे तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आप इसको मतलब वॉश भी कर सकते हो आराम से। तो अब पुराने वाले सारे जो पिछले साल लगा हुआ था उसे निकालना है और नए वाले को लगा देना है, लेकिन अब घर की साफ सफाई हो जाए तो ठीक है। अब अभी नवरात्रि की सफाई हो गई, लेकिन दिवाली की सफाई जब स्टार्ट होगी तभी ये सब काम आएंगे दिवाली के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और इतने देर बने रहते हो इसके लिए।